ड्रीम क्लास की चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको उसमें स्ट्रक्चर का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर क्या है मतलब आपको रिक्वायरमेंट हो कि आपको एट दैट सेम टाइम अलग अलग इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो, जैसे कि अलग अलग डेटा टाइप्स है, जैसे कि स्टूडेंट का नेम है, उसकी आईडी है, रोल नंबर है, मार्क्स है, परसेंटेज है, वो डिफरेंट डेटा टाइप्स को आपको एक सिंगल वेरिएबल नेम में स्टोर करना हो। ओके, ये सारे डिफरेंट वेरिएबल है जो डेटा टाइप्स थी मुझको सिंगल वेरिएबल नेम में स्टोर करना है, तो आप स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया होगा कि स्ट्रक्चर हम कब क्रिएट करेंगे, जैसे कि मेरी जो डिफरेंट डेटा टाइप्स थे मुझे उसको एक ब्लॉक में बनाना हो तो मैं स्ट्रक्चर का यूज कर सकता था। ओके, ये एरे की तरह ही वर्क करता है, लेकिन एरे में क्या था, अगर मैं एरे को डिक्लेयर कर देता तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। अगर आप यू कहो कि एरे और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप्स, व्हाइल वेयर एज स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। मतलब एरे और स्ट्रक्चर क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, दोनों एक से ज्यादा वेरिएबल को स्टोर कर रहा है। लेकिन एरे क्या था, अगर मैं यहाँ पे इंटीजर लिख दे रहा हूं तो वो इंटीजर के ही सारे एलिमेंट्स को स्टोर करेगा, लेकिन स्ट्रक्चर में आप अलग अलग एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हो जिस हिसाब से आपने वेरिएबल्स क्रिएट किए हो। ओके, तो मैं आपको आज की वीडियो में स्ट्रक्चर का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके बताता हूं। तो जैसे कि आपने यहाँ देख सकते हो कि तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये बेसिक सी लैंग्वेज का आईडी है, यहाँ पे हमने टर्बो सी एडिटर यूज किया है। अगर आपको कोई दूसरा एडिटर यूज करना हो जैसे कि विजुअल कोड है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। एडिटर आप कोई भी हो जहाँ पे आपको कंपाइलर मिल जाए। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर आपका बेसिक्स लैंग्वेज कन्वर्टर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। ओके, स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको जो बेसिक सी का स्ट्रक्चर है वो आपको लिखना है। अब बेसिक जो सी का स्ट्रक्चर है और जो मैं स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ वो दोनों डिफरेंस है। बेसिक जो सी का स्ट्रक्चर है वो हमारा आर्किटेक्चर है, और जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारा एक कॉन्सेप्ट है। ओके, तो अभी यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। स्ट्रक्चर हमें कहाँ पे डिफाइन करना है, स्ट्रक्चर हमें वर्ड मेन वाले ब्लॉक के ऊपर डिफाइन करना है। जैसे कि अब तक आपने देखा होगा कि हमारे सी लैंग्वेज में सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रोग्राम का मेन पॉइंट है, वो है हमारा मेन सेक्शन। ओके, तो स्ट्रक्चर में यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। स्ट्रक्चर की सिंटेक्स है, पहले आपको यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना होगा। ओके, स्ट्रक्ट, फिर यहाँ पे यूजर डिफाइंड वेरिएबल का नाम, यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर का नेम। ओके, तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर के बाद जैसे कि स्टूडेंट लिख देता हूँ। इस लाइन में आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्ट है वो हमारा कीवर्ड है। देखिए आप, उसका टेक्स्ट कलर व्हाइट हो चुका है, मतलब वो एक इनबिल्ट कीवर्ड है, वॉइड है हमारा एक इनबिल्ट कीवर्ड है। ओके, अब यहाँ पे जो आप वेरिएबल का नाम प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रक्चर का नाम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारा प्री डिफाइंड कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि पता है सी लैंग्वेज में देर आर 34 कीवर्ड्स। ओके, कीवर्ड क्या है, जो प्री डिफाइंड वर्ड्स है, जो सी लैंग्वेज की मेमोरी में ऑलरेडी रिजर्व्ड वर्ड है, प्री डिफाइंड वर्ड। ओके, तो आप जैसे कि इंटीजर, वॉइड, डू, ये सब कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, ये जो सारे वेरिएबल्स के रूल्स है। ओके, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके कि वेरिएबल रूल्स ऑफ वेरिएबल, वहां मैंने अलग अलग रूल्स बताए। ओके, जो वेरिएबल्स के रूल्स है वही सारे रूल्स हमें एट द टाइम ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएशन, एट द टाइम ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन और एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, ऑल रूल्स आर सेम। ओके, सो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बना दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर देता हूँ। अब मुझे जो भी रिक्वायरमेंट थी, जैसे कि स्टूडेंट की आईडी, तो इंटीजर एस आईडी, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी मैंने क्रिएट कर दिया है एस आईडी। ओके, अगर आपको पूरा नाम लिखना है तो आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट आईडी अंडरस्कोर। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नेम प्रोवाइड कर देता हूँ, कैरेक्टर, जिसके लिए हमें जो डेटा टाइप यूज करनी होगी उसके लिए मुझे एरे बनाना होगा। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे एरे नहीं बनाता हूँ तो मुझे जो नेम होगा उसमें कोई भी एक सिंगल अल्फाबेट स्टोर करने देगा, ए टू जेड में से कोई भी एट द टाइम सिंगल अल्फाबेट। ओके, तो जिस तरह मैंने बताया आपको मेरी पिछली वीडियो में और हमारे एरे के वीडियो में कि एरे क्या कर रहा है, वो कलेक्शन है एक से ज्यादा एलिमेंट्स का, तो मैं यहाँ पे एरे बना देता हूँ जिसकी साइज दे देता हूँ 10। मतलब अभी यहाँ पे जो भी स्टूडेंट होगा वो उसका मैक्सिमम नेम 10, मतलब उसके नेम को वो 10 तक वो सराउंडेड बाउंड्री होगी, 10 नाम तक का उसका नाम होगा वो इनपुट कर सकेगा यहाँ पे। ओके, फिर मैं यहाँ पे दे देता हूँ
फ्लोट परसेंटेज, और यहाँ पे एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर देता हूँ उसके मार्क्स के लिए पर्टिकुलर, या फिर ये तीन वेरिएबल आप, अब ये देखिए ये जो तीनों वेरिएबल है वो मेरे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ब्लॉक में है, देखिए आप, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट। ओके, अब मैं वर्ड मेन में जिस तरह हमारा जो बेसिक है CLR SCR जो स्क्रीन को क्लियर करेगा और गेट CH आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए गेट कंसोल। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए अब ये जो वॉइड मैन है वो एक ब्लॉक है और ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया स्टूडेंट वो एक ब्लॉक है। ओके, तो मुझे इन दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे टर्मिनेशन सिंबल सेमीकोलन यूज करना होगा, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप जो वेरिएबल को टर्मिनेट कर रहे हो तो सेमीकोलन है यहाँ पे। ओके, मतलब सेमीकोलन क्या यूज कर रहा है कि वहां पे मेरा जो स्ट्रक्चर है वो टर्मिनेट मतलब एंड हो गया है, एंड ऑफ द स्ट्रक्चर। ओके, तो मेरा एक स्ट्रक्चर एक अलग ब्लॉक है, वर्ड में अलग ब्लॉक है। ओके, अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर ए। ओके, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ पे आपको पता है यूजर इनपुट के लिए स्कैन एफ यूज करना होगा, परसेंटेज डी कोमा एम परसन ए। ओके, अब इस ये जो छोटा सा बेसिक प्रोग्राम है उसको हम रन करते हैं। एक एरर है एक्सप्रेशन सिंटेक्स, मतलब यहाँ पे ए रह गया है, अब फिर से रन करते हैं, देखो एंटर द वैल्यू ऑफ ए 12। अब जो वैल्यू मैंने इनपुट की है वो मुझे प्रिंट करवानी है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। आपको पता है प्रिंट करवाने के लिए परसेंटेज डी कोमा ए, यहाँ पे मैं स्लैश एन यूज कर देता हूँ, मतलब स्टार्टिंग में वो थोड़ी न्यू लाइन लेके आएगा, दो बार एन प्रेस कर देता हूँ और हमारे जो आउटपुट में है उसमें भी स्लैश एन। देखिए अब एक चीज यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ये जो इंटीजर ए वाली वैल्यू वेरिएबल था वो हमारा वर्ड मेन में था, लेकिन हमें इस वेरिएबल का कोई काम ही नहीं है। ओके, मुझे कौन से वेरिएबल को एक्सेस करना है, स्टूडेंट आईडी। ओके, यहाँ पे मैं स्टूडेंट आईडी को एक्सेस करता हूँ, मतलब यहाँ से मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट क्या है, कमेंट देर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट इन सी लैंग्वेज और C++, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट क्या करेगा, एट दैट टाइम सिंगल लाइन को इग्नोर करेगा, कंपाइलर उस चीज को प्रिंट नहीं करेगा। ओके, अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट आईडी जो था, एंटर द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट आईडी, इस तरह एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ। ओके, स्कैन एफ के लिए स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पे जो मुझे स्टूडेंट आईडी मिलेगी तो मैं यहाँ पे एक मैसेज लिख देता हूँ, और यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल था स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, अब इस चीज को रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक एरर प्रोवाइड कर रहा है, उस एरर का क्या नाम है, अनडिफाइंड सिंबल स्टूडेंट आईडी। ओके, क्योंकि ये जो स्टूडेंट आईडी वाला वेरिएबल है वो हमारा स्ट्रक्चर वाले ब्लॉक में है, ये जो स्टूडेंट आईडी वाला वेरिएबल है वो हमारा क्या है, स्ट्रक्चर वाले ब्लॉक में है। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी क्रिएट कर देता हूँ तो वो मेरी एरर को रिजोल्व कर देगा। देखिए अगर इस तरह मैं प्रोग्राम बना रहा हूं तो फिर मेरा यहाँ पे स्टूडेंट आईडी डिक्लेयर करने का और क्रिएट करने का कोई यूज नहीं है, वो वर्थलेस है, मतलब उसका कोई यूज नहीं है। अगर मुझे सेम वेरिएबल एट दैट टाइम स्ट्रक्चर में भी डिक्लेयर करना क्रिएट करना हो रहा है और वॉइड मेन में भी क्रिएट करना है, तो फिर हमारा स्ट्रक्चर का कोई यूज नहीं, वो वर्थलेस हुआ। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इस वेरिएबल को डिलीट ही कर देता हूँ। अब हमारी स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट क्या है और हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है कि स्ट्रक्चर में जो वेरिएबल था वो मुझे मेरे वॉइड मेन वाले सेक्शन में, मेरे वॉइड मेन वाले ब्लॉक में हम उसे एक्सेस करना है, मतलब एट दैट टाइम मैं वॉइड मेन के अंदर हूँ और मुझे स्ट्रक्चर में जाना है।
और स्ट्रक्चर के अंदर जाके मुझे स्ट्रक्चर का वेरिएबल को एक्सेस करना है। ओके अगर मैं इसको, अगर आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं, तो अगर रियल लाइफ में मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो आप यूं समझ सकते हैं कि आपका घर है। ओके तो आपके घर में जो आपके फैमिली मेंबर्स होंगे वो डे टू डे घर में आते जाते रहेंगे, क्योंकि घर वाले मेंबर को घर में आने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई दूसरा या तीसरा बंदा होगा, अननोन पर्सन, कोई स्ट्रेंजर होगा, वो डायरेक्टली आपके घर में अंदर घुस नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो आपसे स्ट्रेंजर है, वो अननोन पर्सन है। तो क्या होगा, आपको उसके साथ पहले फ्रेंडशिप बनानी होगी, वो आपके साथ पहले फ्रेंडशिप बनाएगा, मतलब आपके साथ थोड़ी जान पहचान करेगा। एक चीज होगी, उसने आपके साथ जान पहचान बनाई तो वो आपके कॉन्टेक्ट में आया, मतलब वो आपका फ्रेंड हो गया। ओके अब वो आपका फ्रेंड हो गया तो वो आपके घर पे आ सकता है। आपके घर पे कब आया वो? आपका फ्रेंड बनने के बाद। ओके आप यू मत सोचे कि आपके फैमिली मेंबर भी आ सकते हैं आपके, वो तो आपके फैमिली मेंबर, मतलब वो तो आपके फैमिली मेंबर ही होगी, फैमिली मेंबर मतलब जो आपके रिलेटिव है वो भी आ सकते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपके फ्रेंड की। आपका वो डायरेक्टली फ्रेंड नहीं बना, आपने उसके साथ कॉन्टेक्ट बढ़ाई तो वो आपका फ्रेंड हुआ। ओके तो उसको परमिशन मिली, वो आपके घर पे आ सकता है। तो हमें भी यहाँ पे वर्ड मैन में यही करना है, पहले ये जो स्ट्रक्चर है उसके साथ आपको पहले कॉन्टेक्ट बॉन्डिंग बनानी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें जो स्ट्रक्चर स्टूडेंट है उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत होगी। तो मैं यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की सिंटेक्स सेम वैसे ही है, मुझे यहाँ पे स्ट्रक, उसके बाद जो हमारे स्ट्रक्चर का नाम है वही लिखना होगा। अगर मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा तो यहाँ पे स्टूडेंट, स्टूड लिख रहा हूं तो यहाँ पे स्टूड। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का नाम पास कर देना है, जैसे कि एस, आप कोई भी पास कर सकते हो, एस ए बी पी क्यू, जो भी आपको पास करना है स्टूड। ओके यूनिक होना चाहिए, मतलब जो वेरिएबल्स के रूल्स है वो फॉलो करता होना चाहिए, स्पेस अलाउ नहीं करेगा, स्टार्टिंग में डिजिट नहीं होना चाहिए, रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ओके जो आपके वेरिएबल्स के रूल्स थे वही सेम एज इट इज। तो मैं यहाँ पे एस करके उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। तो हम यहाँ पे कमेंट में लिख देते हैं कि भाई इस लाइन में हमने क्या किया, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट स्ट्रक्चर। ओके मतलब इस लाइन को आप कह सकते हैं कि भाई वो आपका, आपने बॉन्डिंग बना ली आपके फ्रेंड के साथ, अब उसको आपके घर पे इनवाइट करना है या उसको बुलाना है, तो आप क्या बोलोगे, भाई मेरा ये घर का एड्रेस है, या फिर आप खुद बाय खुद लेके आओगे या उसको इन्फॉर्म कर दोगे कि भाई इस घर पे तू आ जा, एड्रेस दे दोगे। ओके तो अब आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट, मतलब आपका स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट क्या है, एस। ओके आपका स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट एस। अब आपको स्टूडेंट आईडी वाला वेरिएबल था उसको एक्सेस करना है, तो आपको ऑब्जेक्ट का नाम एस डॉट आपके वेरिएबल का नाम जो भी है, वो आपके वेरिएबल का नाम स्टूडेंट आईडी है यहाँ पे। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर के मदद से, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर यू कैन एक्सेस ऑल द एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। ओके आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना नेसेसरी है, क्योंकि आप वर्ड मैन वाले ब्लॉक में एक दूसरे ब्लॉक के मेंबर को एक्सेस करना चाह रहे हैं जो हमारा स्ट्रक्चर का ब्लॉक है। ओके आपको मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि सी लैंग्वेज में जो हमारे उप्स के कॉन्सेप्ट है, उस उप्स के कॉन्सेप्ट में क्लास और ऑब्जेक्ट है, वहां पे हम स्ट्रक्चर के बदले क्लास बनाएंगे, लेकिन उसका जो सिनारियो है उसका जो पैटर्न है वो सेम एज इट इज है। वहां पे भी हमें क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमें क्लास के मेंबर को एक्सेस करने होंगे। ओके तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम डॉट वेरिएबल का नाम लिख लिया है। अब मुझे उसको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करने के लिए भी मुझे एस डॉट स्टूडेंट आईडी। चलिए हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो देखिए जो हमारी एरर थी नॉट डिक्लेयर वो रिमूव हो गई। अब मैं यहाँ पे सिंपल आईडी पास कर देता हूँ। तो ये मेरा सिंपल एक सिर्फ स्टूडेंट आईडी के लिए था। ओके तो उसी तरह मैं आपको जो हमारे दूसरे वेरिएबल है स्ट्रक्चर के मेंबर्स है, नेम और परसेंटेज, उसको भी आप इनपुट ले लेते हैं। ओके इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने की शॉर्टकट की आप एडिट में जाके देख सकते हैं। ओके कंट्रोल इंसर्ट है यहाँ पे, मैं प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट नेम
यहाँ पे आपको एस डॉट नेम, यहाँ पे उसकी प्रिसीजन चेंज करनी होगी एस, फिर उसके बाद है यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ परसेंटेज, तो एस डॉट परसेंटेज। इस प्रोग्राम में मैंने परसेंटेज की वैल्यू डायरेक्ट यूजर से इनपुट ले ली है। आपको क्या करना है, अलग अलग स्टूडेंट के मार्क्स लेने हैं, एक स्टूडेंट के अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं, ओके, बेस्ड ऑन दैट सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट के मार्क्स को कैलकुलेट करवा के आफ्टर दैट परसेंटेज को कैलकुलेट करवाना है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली इनपुट ले रहा हूँ क्योंकि आपको मैं स्ट्रक्चर में बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह हम अलग अलग डेटा टाइप्स को यूज कर सकते हैं, कि इंटीजर को यूज किया, कैरेक्टर को यूज किया, फ्लोट को यूज किया। ओके, यहाँ पे फ्लोट है तो यहाँ पे आपको एफ, ओके, यूजर इनपुट के टाइम पे आपको एस डॉट नेम मतलब ऑब्जेक्ट का नाम डॉट आपके जो वेरिएबल का नाम है, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट नेम, ये तीनों तीन सिर्फ अभी इनपुट ही ले रहा है। देखिए आईडी मैंने डाली 1, नेम डाल रहा हूँ जिस तरह एबीसी, और परसेंटेज डाल रहा हूँ 45, ओके, लेकिन प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि प्रिंट करवाने का जो स्टेटमेंट था वो मैंने रिमूव कर दिया है। तो आप उसको एट द लास्ट तीनों तीन चीज इनपुट हो जाने के बाद प्रिंट करवाइए एक साथ। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट एफ, स्टूडेंट डिटेल्स या फिर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ओके, और वन बाय वन में सारी चीजों को प्रिंट करवा देता हूँ, जिस तरह स्टूडेंट आईडी एस डॉट यहाँ पे परसेंटेज डी, एस डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, ओके, उसी तरह उसका नेम और मार्क्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम, यहाँ पे स्टूडेंट के परसेंटेज, यहाँ पे मुझे एस क्योंकि स्ट्रिंग है मतलब एस प्रिंट करना होगा, यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट के लिए एफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम और यहाँ पे परसेंटेज, और लास्ट में गेट सीरीज जो हमारे आउटपुट को कंसोल पे डिस्प्ले करवाएगा, हर एक स्टेटमेंट के लिए स्लैश है ताकि वो आउटपुट को न्यू लाइन में डिस्प्ले करें। अब रन करके देखते हैं प्रोग्राम को, चार एरर, यहाँ पे कॉमा मिस रह गया है, यहाँ पे भी कॉमा, यहाँ पे भी कॉमा डबल कोटेशन के बाद, सेमी कोलन पैरेंथेसिस के बाद आएगा, ओके, स्टूडेंट आईडी मैंने डाली 23, स्टूडेंट नेम एबीएस और एंटर द वैल्यू ऑफ परसेंटेज 56। देखिए यहाँ पे आपको स्टूडेंट की डिटेल मिल चुकी है, ओके, तो मैं फ्लोटिंग पॉइंट में फिर मैंने आईडी डाली 23, नेम डाला PQR और परसेंटेज डाले 57.67.99। देखिए ओके, अब आपको परसेंटेज पॉइंट के बाद दो वैल्यू प्रिंट करनी है, वो भी मैंने आपको बताया है कि उसके बाद आपको जितनी वैल्यू प्रिंट करनी है परसेंटेज के बाद लिख दीजिए 2 या 3.f, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट उसी हिसाब से उसको डेसिमल के बाद की वैल्यू को प्रिंट करेगा, 45 एक्स वाई जेड 68। देखिए ओके, फिर रन करते हैं 45 एक्स वाई जेड 66.78। ओके, तो ये था बेसिक कि स्ट्रक्चर की वैल्यू किस तरह यूजर के पास इनपुट लेनी है। यहाँ पे आप लिख सकते हो क्रिएट अ स्ट्रक्चर, और यहाँ पे आप कमेंट में लिख दे दिए एक्सेस द मेंबर ऑफ एक्सेस अ मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, तो
तो मतलब ये आपका बेसिक प्रोग्राम था जहाँ पे मैंने आपको बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर को किस तरह डिफाइन करना है। ओके, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्रिएट स्ट्रक्चर, आइदर डिफाइन अ स्ट्रक्चर। फिर वर्ड में हमें किस तरह उसको ऑब्जेक्ट बनाना है और किस तरह हमें स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना है और प्रिंट करवाना है। ओके, तो आप यहाँ पे उसके बाद अगर आपको स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बनाना तो आप यहाँ पे भी डायरेक्टली बना सकते हैं एस। ओके, ये लाइन क्या करेगा, इस लाइन को रिप्लेस करेगा। मतलब यहाँ पे आपने इस तरह स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाया, आप डायरेक्टली यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, लेकिन उसकी जो जनरल दोनों सिंटेक्स आप यूज कर सकते हैं, उसकी जो स्टैंडर्ड सिंटेक्स है वो आप इस तरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक था स्ट्रक्चर। ओके, तो ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।